कुछ साल पूर्व एक प्रत्याशी को करीब का मामला हुआ था, उस मामले में पैसे का लेन देन हुआ और जो प्रत्याशी ने उन्होंने खुद शपथ पत्र देकर इस बात को कबूल किया है कि इस प्रदेश के तत्कालिक मंत्री और मुख्यमंत्री और एक मंत्री के यहाँ से 7.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आज ईडी ऑफिस में हम तमाम कांग्रेस का डेलीगेशन जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने शिकायत की है कि ये 7.5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला हुआ है इस पर शिकायत की और इस पर मामले बनाने की बात हम लोगों ने कही। ये पैसा आया कहाँ से? उसी की तो जांच, वही जांच का विषय है कि 7.5 करोड़ आखिर कहाँ से आया, कहाँ से इसको लिया गया और कैसे इसको ये मनी लॉन्ड्रिंग किसी को कहा जाता है, इसीलिए इस पर शिकायत करने हम लोग प्रेशर डालकर प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस प्रकार से प्रत्याशी को प्रेशर डाला और रुपया का लेन देन भी हुआ, लालच भी दिया गया, ये तमाम चीज़ें खुलकर अब सामने आ रही है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है, जुटाया कैसे होगा 7.5 करोड़ रुपए, इतना बड़ा वहाँ आज देवपुरी में कार्यालय है, सारी चीजें आप लोग पहले बोलते रहे कि अरबों खरबों रुपए खर्चा करते हैं, बार बार शुरू से इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों के ऊपर में प्रकरण दर्ज हुआ, मंत्रियों के घर का घेराव करते थे उस समय इसी बात को लेकर कि ये पैसा कहाँ से आया। ये पैसा करप्शन का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, एक्सप्रेसवे तमाम वो जगह है जो आप खुलकर सामने आ रही है जिसमें करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वो आज सामने निकल कर आ रहा है।